पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। किशोर कुमार साहब की आवाज से तो सभी वाकिफ हैं। चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इनकी जिंदगी से जुड़ी हैं, जो हमारे सामने आती हैं तो हमें हैरत में डाल देती हैं। वाकई किशोरदा की जिंदगी में नंबर 4 एक अजब खासियत रखता है। इनका जन्म हुआ 4 अगस्त सन 1929 में। यह बात सही है कि इन्होंने एक्टिंग और गाना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें असली स्टारडम मिला जब ये 40 साल की उम्र तक पहुंचे 1969 की फिल्म आराधना से। उसके बाद इन्होंने पलट के ही नहीं देखा और फिर एक्टिंग से हाथ जोड़ लिए। अजब बात यह है कि इनकी 4 शादियां हुई। पहली बीवी रूमा देवी, जिनसे इन्हें बेटा हुआ अमित कुमार, उनसे इनका तलाक हो गया। दूसरी बीवी मधुबाला, जिनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी कि इनकी शादी कोई खास आगे बढ़ ना पाई, क्योंकि मधुबाला जी का इंतकाल हो गया बहुत ही कम उम्र में। तीसरी शादी हुई इनकी योगिता बाली से, एक बार फिर तलाक हुआ। और चौथी बार जब इनकी शादी हुई तो लगा कि अब जीवन में प्यार आ गया है। लीना चंदावरकर से इनका विवाह हुआ और शादी से बेटा हुआ सुमित कुमार। सभी को लग रहा था कि किशोर कुमार की चौथी शादी वाकई अच्छा फल दे रही है, पर अफसोस की बात किशोरदा इस दुनिया को छोड़ चल बसे। और हैरत की बात यह है कि तारीख थी 13 अक्टूबर सन 1987। 13 अक्टूबर का जोड़ निकाले तो 4 ही आता है। किशोर कुमार की आवाज ने हर हीरो की पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। 4 नंबर इन्हें भाया भी और 4 नंबर इनकी जिंदगी में सदा सदा के लिए एक खास जगह बनाकर रह गया। ऐसी और भी बड़ी हैरत अंगेज बातें सिर्फ और सिर्फ पीपल एंड हिस्ट्री पर। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।